स्वागत है गाइस आपका एक अनदर वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले एपिसोड में बताया हुआ था गाइस कि अभी हम लोग जो है जा रहे हैं केव में। जाने के बाद हम लोग टीम करने वाले हैं एरानो को, क्योंकि गाइस मैं आपको सिखाने वाला हूँ केव करना, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला एरानो। और साथ ही साथ हम लोग यूज करेंगे ऑर्थो, देखेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा पड़ता है, एरानो अच्छा पड़ता है या फिर ऑर्थो अच्छा पड़ता है। तो इन दोनों को हम लोग यूज करके चेक करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो चलिए गाइस, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई एक डायनो ले लेना है, केप की तरफ भगना है हमें, हंटर केप पे जाना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग जो एरानो का सैडल बना लेते हैं। आई थिंक आर्थो का भी सैडल हमें ले लेना चाहिए। इन द केस अगर आर्थो या फिर एरानो दोनों में से कोई भी मिल जाता है तो हम लोग ऑन द स्पॉट उन दोनों को वहीं पे टेम कर सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं आर्थो और एरानो दोनों देख लेता हूँ। आर्थो, ओ मैंने लगता है गलत लिख दिया है कुछ, लेट्स सी। ऑल राइट, सो इसका सैडल आपको मिलेगा 54 और इसको स्मिथी से क्राफ्ट कर सकते हैं आप लोग। और एरानो का सैडल आई थिंक आप लोग जो है अपने इन्वेंटरी में ही क्राफ्ट कर सकते हैं। सो आर्थो ये रहा, अभी क्या चाहिए हमें। सो यहाँ पे हमें हाइड और ऑब्सीडियन चाहिए क्राफ्ट करने के लिए इसका सैडल। खैर मैं सारी चीज़ें क्राफ्ट कर लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। सो ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग बिल्कुल रेडी हैं केव के अंदर जाने के लिए और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और अभी हम लोग रन करते हुए केव के पास जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे विल्ड डाइनो है तो हमें बच के रहना है थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं बचेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वैसे भी हमें कोई मार नहीं सकता, हमें शेर, अरे कोई दिक्कत नहीं है, मर भी जाएंगे तो एक आग बार। ओह शिट, ये क्या, मैंने बेइज्जती हो रही यहाँ पे। ओ भाई ये क्या, अरे यार हट जाओ, ये सब क्या हो रहा। ऑल राइट ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे आसपास होना चाहिए केव का एंट्रेंस। ये रहा केव का एंट्रेंस गाइस, विदाउट डिले के वे हम इंटर करते हैं केव के अंदर, क्योंकि हमारे पास है नहीं बहुत ज़्यादा टाइम। देयर वी गो, दौड़ते हुए कोई डैमेज नहीं होगा क्योंकि हमारे पास टेक का सूट है ना, तो फॉल डैमेज बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, देखिए 70% फॉल डैमेज माइनस दिखा रहा है, तो 70% तक ठीक है। अगर मैं पूरा चार्ज कर दूं अपने जितने आर्मर है सबको तो शायद ये 100% तक चला जा सकता है। लेट्स सी, अगर चार्ज कर देते हैं तो चार्ज कर देते हैं इसको भी 100% चार्ज कर देते हैं। मेरे पास ये रही एलिमेंट है। सो कोई दिक्कत नहीं, अपने पास एलिमेंट है। ये गया बॉडी, ये गया जो भी हो, और ये गया हेलमेट। तो सबको चार्ज कर दिया मैंने, इसको हटा देते हैं और क्या हटा सकते हैं, और शॉर्ट हटा देते हैं क्योंकि हमें कुछ चीज़ें लगानी पड़ेंगी अपनी इन्वेंटरी में। इसको रख लेते हैं, एक बार इसको कंज्यूम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और क्या कर सकते हैं, ऑलराइट, सो यहाँ पे स्पॉइल मीट लगा लेते हैं। देयर वी गो, और क्या हटा सकते हैं, शॉर्ट गन हटा देता हूँ, शॉर्ट गन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। और यहाँ पे हमें स्मूथिंग ब्लेम लगाना है, स्मूथिंग ब्लेम तो लगा हुआ है। खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिए अभी बिल्कुल प्रिपेयर है हम लोग। थोड़ा सा मैं इसको पहन लेता हूँ। चलिए सो कितना परसेंट दिखा रहा फॉल डैमेज, ओ 100% के पास चला गया है आई थिंक। अभी जो है हम लोग कोशिश करते हैं एक अच्छे से आर्थो और एरानो को दोनों में से किसी को फाइंड करने की। लेट्स सी अगर मिलता है कि नहीं। स्पाई ग्लासेस लगाना भूल गया, सो स्पाई ग्लासेस लगा लेता हूँ यहाँ पे। चलिए अभी हम लोग रेडी हैं, ऑलमोस्ट मतलब पूरा तरीके से। तो यहाँ पे सामने की तरफ मुझे एरानो दो दिख रहे हैं और सामने दिख रहा है, लेट्स सी कितना है। लेवल तो दिख ही नहीं रहा यहाँ से, आई थिंक मुझे थोड़ा सा अप डाउन करना पड़ेगा। अब कितना लेवल है, सो ये 40 और 30 लेवल है, जो कि बहुत ही वेस्ट है। वेस्ट मतलब ख़राब गाइस। ऑलराइट, सो यहाँ से इधर की तरफ चलते हैं, देखते हैं इधर कहीं अच्छा खासा मिल जाए तो टेम करते हैं। ओ यहाँ पे स्नेक हैं, मैं इनको हिट देना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये सब अलर्ट हो जाएंगे। ओ भाई साहब तुम नाग बन जाओगे तो हम नागिन बन जाएंगे। ले दनादन दे दनादन, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। खैर आई थिंक स्नेक के ऊपर ये काम नहीं करेगा क्या, रिपेलिंग बग वगैरह मुझे लग रहा है चाहे कुछ सीन है। सो यहाँ पे इसने नोटिस कर लिया हमें, एरानो नहीं क्या नाम है, स्कॉर्पियन ने। लेट्स सी इसका लेवल कितना है, 70 लेवल है गाइस। आई थिंक 70 लेवल भी इनफ होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है, ज़्यादा लालच करनी नहीं चाहिए।
मैं एक बार ज़रा एरेस्ट वाले स्कॉर्पियन को मार दूँ, सो फिर हम लोग जो है थोड़े बहुत रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे मैं पीपी स्विच कर लेता हूँ देवी को। आजा भाई तू भी आजा, ले मेरे साथ एरोज खा ले, ये ले तू चा निकल। अरे यार ये ऑटो एम बहुत ही घटिया है, हे चलिए अभी ये भी मर गया गाइस, अभी क्या ही कर सकते हैं। लेट्स सी अगर कोई दूसरा मिलता है तो, वैसे हैं बहुत सारे हैं। ओह ओह शिट, ज़्यादा क्लोज नहीं जाना, आवाज़ वगैरह तो बिल्कुल नहीं करना। सो पीछे से जाएंगे तो ज़्यादा जल्दी टीम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं टीम कर पाएंगे। लेट्स सी ये 180 लेवल है, कितना हाई लेवल का मिल सकता है हमें 10 लेवल। इनका तो लेवल ही नहीं शो कर रहा, दिखा थोड़ा सा लेवल दिखा था 30 लेवल, और ये कितने लेवल का है, ये इसका लेवल नहीं दिख रहा मुझे। सो ये 180 लेवल वाला ठीक ठाक लग रहा है मुझे लग रहा है कि इसी को टीम करना चाहिए 180 लेवल वाले को। गेम इतना ज़्यादा लैगी हो जा रहा है कि मैं क्या खेलूँगा गेम। सो सामने की तरफ मुझे स्नेक वगैरह दिख रहे हैं, मैं इनको मार देता हूँ। अगर एक शॉट भी मिस कर दिया या फिर एक शॉट में कोई भी स्नेक नहीं मरा तो फिर उसके बाद सारे डाइनो अलर्ट हो जाएंगे कि इनकी टेरिटरी में कोई घुस चुका है। आई थिंक मुझे उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, मुझे लग रहा है अगर ये मुझे पकड़े ना तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। मैं इन सभी को मार देता हूँ, छोटे मोटे हैरानों को। यार ये एरोज क्यों नहीं चल रही है, चलिए अब सिर्फ और सिर्फ एक एरानो रह गया है जिसको हम लोग टीम करने वाले हैं। सो थोड़ा सा आगे जाना है, हल्का सा जहाँ तक हम लोग इसे एक्सेस कर पाएँ। एपीपी कर लेते हैं, अरे एपीपी हो जा भाई। ऑलराइट देयर वी गो। ओ पड़ी रे बाबा, कौन मार रहा है, कौन आ गया, ये स्नेक भी ना भाई। आ जाओ ये खाओ, सब खाओ, निकलो यहाँ से। अरे क्रैश नहीं होना था भाई,